भाम रामानंदारी मध्यमा अस्मदाचारी पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। बोली गुरुदेव भगवान की जय। अभी आपने बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण किए, तो पहला शब्द है सत्संग। सत्संग किसे कहते हैं, यह प्रश्न खड़ा हुआ। तो सताम संगति इति सत्संग, संत का संग ही सत्संग कहा जाता है। प्रसंग किसे कहते हैं, तो जिनके समीप आने से हमारे आत्मा को शांति मिले, जिनके साथ रहने से सतमार्ग पर चलने का सीख मिले, जिनसे हमारे जीवन की विकृतियां दूर हो, सुकृति और संस्कृति, सभ्यता सम्यता और शांति की स्थापना हो, उसका नाम क्या है, तो संत है। इस कलयुग में संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, और इससे हम सभी बहुत ही दूर भागते जा रहे हैं। मानव के जीवन में जब तक संत की संगति नहीं, तब तक उसके जीवन में वैभव संपत्ति समृद्धि कितना भी क्यों न आ जाए, उसका जीवन कैसा है पता है। जैसे आकाश में बादल तो है पर बिना पानी का, बिनु जल बारिद देखिया तैसे भगत हीन नर सोई जैसे। अर्थात नारी संपूर्ण श्रृंगार कर ले और कपड़ा ही न पहने, उसका कोई महत्व होता नहीं। पुरुष बहुत बढ़िया हो, उसमें शक्तिहीन हो, उसका कोई महत्व होता नहीं है। वैसे ही जीव के जीवन में संत की संगति अति ही आवश्यक है। और जिन जिन लोगों ने पहले संत का संग किया है, उनको ही भगवंत का दर्शन हुआ है। ऐसे सीता माँ को ही आप ले लीजिए। यदि सीता माँ के जीवन में सखी रूपी सदगुरु का संग न हुआ होता, तब तक राम नहीं मिले होते। तो राम ऐसे ब्रह्म को प्रकट करने के लिए इस पूरी विश्व में एक माँ रही, कौन, जिसका नाम है कौशल्या। लेकिन राम से भी बड़ी पात्रा एक कौन है पता है, एक है मां सीता। जिस सीता को जन्म देने के लिए इस भारत वर्ष की किसी मां में सामर्थ्य नहीं रहा, जिसे ऋषि मुनियों ने हल के माध्यम से धरती से जोत करके उत्पन्न किया, और जिस धरती पुत्री के जीवन में इतनी सहनशीलता, इतनी गंभीरता, इतनी स्थिरता रही कि जो सीता अपने मैके में नग्न पांव नहीं चली, फूल से भी कोमल पराग होता है। पराग की व्यवस्था किया जाता था, सीता पराग पर पैर रखती थी फिर चला करती थी, और वो सीता जब अवध में आई पति के गृह, उसे कांटों पर चलना पड़ा, झरने का पानी पीना पड़ा, लेकिन फिर भी वो सीता ने न अपने बाप के सुख को, अपने पिता के सुख को याद किया, न पति के दुख को फरियाद किया। क्यों, क्योंकि सीता के जीवन में सत्संग था। जब तक व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं रहेगा ना, तब तक व्यक्ति के जीवन में विपत्तियों में स्थिरता आने वाली नहीं है। जैसे उबलते हुए पानी में अपनी परछाई देखी नहीं जाती, वैसे ही प्यारे चंचल मन में समाधान निकल सकता नहीं है। समाधान को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए इंसान को स्थिरता में आना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस कथा श्रवण की है कि जब जीव अपने जीवन में स्थिर होता है ना, तो स्थिर जीव को परमात्मा को पाने के लिए चारों धाम करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो चारों धाम वाले परमात्मा स्वतः वहां चले आते हैं, पता है कैसे। आप रामकथा में श्रवण किए होंगे, जैसे अहिल्या अपने जीवन में स्थिर हो गई, गौतम मुनि ने जब अहिल्या को श्राप दिया
लोगों ने क्या बोला कि तेरा पति ने तेरे को अपमान किया, तेरा त्याग कर दिया, तू यहां से भाग जा। बोली नहीं, मैं भागने वाली नहीं, क्योंकि जिस चंचल मन ने मुझे पाप के प्रति फेरा है, यह चंचल मन को यदि मैं स्थिर नहीं करूंगी ना, तो मैं जहां जाऊंगी वहीं मुझसे पाप होगा। क्योंकि अहिल्या प्रकरण में क्या है पता है, अहिल्या प्रकरण यह ज्ञान मुझे दिलाता है कि पाप हो गई भूलो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पाप कौन करता है, पाप मानव करता है। पाप कौन नहीं करता है, पाप देव नहीं करता है। और पाप को करने के बाद, भूल को करने के बाद जो स्वीकार नहीं करता है वही दानव होता है। तो भूल करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि चंचल मन से ही भूल होती है। तो अहिल्या ने क्या किया, जब सारा समाज ने इसका अपमान करना शुरू कर दिया, लोगों ने कहा कि अब तुम यहां से कहीं भाग जा और क्यों चली जा। बोली मैं बिल्कुल ही नहीं जाऊंगी, मैं तो रास्ते में गिरेगी, चौरास्ते पर नहीं कि लोग कहें कि देखो जो भी राहगीर यहाँ आएंगे ना सब ठोकर लगाएंगे। बोली उससे क्या हुआ, अरे राहगीर की ठोकर खाते खाते कभी इसी रास्ता से परमात्मा श्री राम आएंगे और उनकी ठोकर में खा लेगी तो बिगड़ी सवर जाएगी। और एक दिन क्या हुआ कि अहिल्या की निष्ठा को देकर प्रभु को आना पड़ा। तो अहिल्या निष्ठा और सबरी प्रतीक्षा में स्थिर हुई। लेकिन आजकल क्या है, निष्ठा और प्रतीक्षा यह दोनों से हम हीन हो चुके हैं। आजकल हम भक्ति क्या करते हैं, आजकल तो हम सौदेबाजी की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की परीक्षा ले रहे हैं कि यदि ये मेरा काम सफल हो जाएगा तो बाबा से गीता पाठ में कराऊंगा, वरना मानूंगा कि बाबा में सत्य नहीं है, है कि नहीं। ये भक्ति नहीं अपितु सौदे हो रहे हैं, यानी ईश्वर को गुरु को हम अपने अनुकूल चलना चाहते हैं, गुरु के अनुकूल हम चलना चाहते नहीं है। यह जीव, यह प्यारे जीव के जीवन की सबसे बहुत ही बड़ी कमी है। जब तक हमारे जीवन से भ्रांतियां दूर नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में परम शांति आने वाली नहीं। इसी से हमें अपने जीवन में गुरु का संग अति ही आवश्यक है। तो सीता माँ ने, मैं बोला कि सीता माँ के जीवन में गुरु का आगमन, और जैसे सीता माँ के जीवन में गुरु का आगमन हुआ तो वो सीता पता है कहाँ गई, पुष्प वाटिका में गई है, है कि नहीं। पर अब यह ख्याल करना है, यह ज्ञान की बातें हैं कि वाटिका किसे कहते हैं, पुष्प वाटिका किसे कहते हैं। और रामायण में पता है वाटिका कितने हैं, वाटिका दो है, रामायण में दो वाटिका हैं। आप कहें कौन कौन, एक है जनक का पुष्प वाटिका और दूसरा है रावण का अशोक वाटिका। जनक के पुष्प वाटिका में भी सीता जी है, गौर करने की बात है, और रावण के अशोक वाटिका में भी सीता जी है, लेकिन दोनों में अंतर है। आपके अंदर कैसे, तो अंतर ये रहा कि जनक का पुष्प वाटिका एक जोगी की वाटिका है और रावण का अशोक वाटिका एक भोगी की वाटिका है। जनक के पुष्प वाटिका में सीता राम का संयोग हुआ, गुरु कृपा हुआ, और रावण की अशोक वाटिका में सीता राम का वियोग हुआ। जनक का पुष्प वाटिका देहनगर की, प्यारे विदेहनगर की वाटिका है, और रावण का अशोक वाटिका देहनगर की वाटिका है, जहां देह से रिश्ते निभाए जाते हैं प्यारे, और जहां संसार में होते हैं वे भी सनातन धर्म से अलग होकर के परमात्मा मलिन होना, यह जनक का वाटिका है। तो वाटिका का मतलब होता है सुफलित जीवन, सदाचारी जीवन, सुखित जीवन। यहाँ किसको पत्थर फेंकूं, कैसर कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, दीवारों से लिपट कर के रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे प्रभु ऐसा लगता है। प्यारे ऐसे जीवन को वाटिका कहते हैं, अर्थात निज प्रभु मैं देखे जगत कैसन करूं विरोध। जहाँ संभावना, जहां पर सबको अपना पूरा संसार अपने को दम का भाव हो प्यारे, तो ऐसे जीवन को हम वाटिका कहते। तो आज महारानी सीता जी सखी रूपी गुरु के साथ चल करके वाटिका में जब आ रही थी ना, तो सीता माँ के लिखा है रामायण में कि कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। सीता माँ के हाथ की कंगन की आवाज, पैरों की पायल की आवाज और कटी के मेखला की आवाज को श्रवण कर राम कहे लक्ष्मण, मानहु मदन मानहु मदन दुंदुभि दीनहि
अमन सा विश्व विजय कह चीनी। मानो कामदेव आ रहा है क्या? मुझे तो ये लग रहा है कि कामदेव पूरे विश्व का विजय करने के लिए संग बजा रहा है। वाह रे राम, ये देखिए कथा कैसी आती है। ये कहा गया है कि जहां राम तहां काम नहीं, और राम स्वतः काम क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण, भला आ कौन रहा? मुझे लग रहा है कि कामदेव पूरे विश्व को बस में करना चाह रहा है। लेकिन गौर करना, कामदेव तो बिल्कुल आ रहा है, लेकिन कामदेव आ भी रहा है तो भक्ति के चरणों में बैठ करके आ रहा है। यदि प्यारे बुरा से बुरा व्यक्ति भी भगवान चरण में आ जाता है ना, तो परमात्मा उसकी प्रशंसा अवश्य करते हैं। लेकिन ज्ञान की बात ये रही कि सीता माँ के हाथ की कंगन की खनक कितना मधुर रहा होगा, पैरों की पायल की खनक कितनी सुंदर रही होगी, आवाज कितनी बढ़िया रही होगी, और कटी की मिथिला की आवाज कितना दिव्य रहा होगा, जिस आवाज ने आज परमात्मा के मन को चंचल कर दिया। कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां राम जी निहार रहे, आखिर क्या है कौन? तो हाथ का कंगन, कंगन किन किन नूपुर धुनी सुनी। अर्थात बहने, कुमारी बहने जो कांच की चूड़ी होती नहीं पहनती है कि नहीं, ब्याह के बाद ही चूड़ी पहनती, आखिर ऐसा क्यों? ये जो कंगन है ना, कंगन का मतलब होता है समर्पण। अब मैं किसी और की हो, तो कंगन है समर्पण का प्रतीक। और पैर की पायल, आपने देखा होगा कि जब नई नई शादी होती है ना, तो बेटी बहुओं को खूब बढ़िया झमाझम पैर पहनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये जाएगी अपने ससुराल में ना, तो ससुर और भसुर यदि बाहर से आंगन में आते होंगे ना, झमाझम पायल की आवाज को देखें, वो जान नहीं नहीं अभी बहू आंगन में है, मुझे बोल कर की जाना है। ये क्या रहा? ये रहा सदाचार। तो हाथ का कंगन समर्पण, पैरों का पायल सदाचार, और कटी का मिखला यानी ये रहा संयम। पहले के जमाने में जो बहने थी ना, डणकस जिसको बोलते हैं, तो कटी मकला यानी डणकस, वो डणकस पहना करती थी। अर्थात देवियों के अंदर संयम था। तो जिस किसी इंसान के जीवन में भाई हो वरना बंधु, कोई भी हो, प्यारे बहने कोई भी हो, जिस इंसान के जीवन में समर्पण संयम और सदाचार ये तीन आ जाते हैं ना, तो ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए राम स्वतः आंख बिछाए खड़े रहते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब अच्छे गुरु का संग होगा तब होगा। सीता के जीवन में जो गुरु हैं ये भगवान शिव ही, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। अर्थात शिव ऐसा गुरु जब तक मेरे प्यारे जीवन में नहीं मिलेंगे, तब तक मेरे जीवन में ऐसे क्रांति नहीं आएगी, और तब तक परमात्मा मुझे ऐसे भक्त को निहारने वाले भी नहीं। आज यहाँ जो है सीता माँ चल करके जो आगे बढ़ी है, राम जी ने यहाँ पर सीता माँ का दर्शन किया, और जैसे सीता जी को राम जी ने दर्शन किए, तो ताते जनक तन, ताते जनक तन याय सोई, धनुष जग जही कारण होई। अब तो राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण ये तो मुझे लग रहा है ना, जनक जी की पुत्री ये जानकी जी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। लेकिन लक्ष्मण आज मेरा मन इनके सौंदर्य को देख करके कि जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा। आज मेरा जो है मन में भाव आ रहा है, जिनके सौंदर्य को देख करके आज मेरा मन लुभा रहा है। क्या राम का ये बोलना सही लग रहा है आप लोगों को? बताइए। बिल्कुल सही नहीं लग रहा है प्यारे, कि जासु बिलो के अलौकिक देखा सहज पुनीत मोर मन शोभा। जैसे कोई छोटा भाई बड़ा भाई मार्केट में जाए, है कि नहीं, सब्जी खरीदने का मान लीजिए, जैसे हम लोग आज गए थे, और मार्केट में कोई लड़की आए और बड़ा भाई को मन में उसके प्रति भाव आ जाए, तो इस कलयुग का बड़ा भाई भी छोटा भाई से ऐसा नहीं बोलते। देखो ना, वो जो थी ना उसे देख करके मेरा मन में आकर्षण हुआ। लेकिन ये राम है, और राम इतने महान जिनके प्यारे साथ में जुड़ा रहता है कि मर्दा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। लेकिन आज राम की महिमा कहां चली गई कि आप वो राम छोटे भाई से क्या बोल रहे कि आज मेरा मन चंचल हो गया जिन्हें देख करके। जासु मिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मने छोभा।
आखिर राम जी ने ऐसा क्यों कहा? तो क्या राम जी ने, क्या राम जी का भावना बहुत बुरी है? क्या राम जी का दृष्टि बुरा है? मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं, राम जी का दृष्टि बिल्कुल ही साफ है। बस मुझे को समझना है कि राम जी ने ऐसा बोला क्यों। बोला इसलिए कि जासू बिलो की, जासू में से जिसको देख करके अलौकिक शोभा, यह जो सीता का सौंदर्य है, जो रूप है ना, लौकिक नहीं है। जैसे जाकर की ब्यूटी पार्लर में हम लोग पूरा मेकअप करा लेते हैं ना, वो रूप नहीं है, अलौकिक। अब किसे कहते हैं अलौकिक? यानी जो कभी दिखाई न दे, और कभी दिखाई न देने वाली वस्तु साथ ही देखने को मिलता है तो आकर्षण आ ही जाता है। और राम जी क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मण मैं सावधान हूं। क्या कि सहज पुनीत, सहज पुनीत, अरे मोर मन छोभा, जा सुबिलो की अलौकिक शोभा। अर्थात मेरा मन स्वभाव से बिल्कुल पवित्र है, राम जी के मन में कोई गड़बड़ी नहीं है। शायद हम आपका मन शुद्ध न रहेगा है कि नहीं, लेकिन राम जी बोल रहे हैं कि सहज पुनीत, पुनीत में पवित्र है, मेरा मन बिल्कुल ही पवित्र है। और प्यारे वैसे भी संत भगवंत की दृष्टि कभी भी किसी के सौंदर्य को देख करके शिकारी नहीं बनता, उसके सौंदर्य को देख करके पूजा करता है कि अगला वाला व्यक्ति अपने जीवन में कितना पुण्य किया होगा जिससे परमात्मा ने इसे इतना सुंदर रूप दिया है। अपनी कथा श्रवण की होगी कि स्वामी राम तीर्थ के बारे में। एक बार की बात है कि स्वामी राम तीर्थ लाहौर में गए, ठीक है। जब लाहौर में गए ना, तो वहां पर एक मुहल्ले से निकले तो क्या देखें कि बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं और तालियां बज रहा है, लोग आनंद उत्सव कर रहे हैं। तो उसी भीड़ में जाकर के स्वामी राम तीर्थ खड़े हुए तो क्या देखें कि एक नृत्यांगना नाचने वाली नाच रही है। उसी प्रेम गली में ये चल पड़े स्वामी राम तीर्थ। अब तो प्यारे जो भोगी लोग थे ना, उन लोगों की निगाहें जो थी उस नाचने वाली के प्रति, उसके प्रति न आकर के अब महात्मा के प्रति, ओहो स्वामी राम तीर्थ जी आपकी भक्ति कहाँ चली गई? अरे ये आपका मार्ग नहीं है, तो हम सभी का मार्ग है, आप यहाँ कहाँ आ गए? लेकिन जो प्यारे स्वामी जी, इनकी दृष्टि तो उस बहन के प्रति लगी रही। अब तो उसको भी नहीं रहा गया, वो बोल पड़ती नाचने वाली, बोली महाराज सुनो, मैं एक भोगी लोगों के लिए बनी है, यह आपका मार्ग नहीं, मैं आपके लिए नहीं। मेरे ऐसे हुस्न को जो आप ऐसे महात्मा इस कदर देखा करते हैं, कृपा अच्छा नहीं किया करते, वो अच्छा नहीं करते, मैं आपके लिए नहीं। अब तो जैसे इसने कही ना कि स्वामी राम तीर्थ की आंखों में आंसू आ गए, स्वामी राम तीर्थ के दोनों हाथ अपने आप ही पहले जुट गए और मुख से मारी निकल पड़ी, ओ मां यह आप क्या कह रही हो? न तेरे रूप को अग्रज, न मुझको तुमसे है गरज, मैं तो मुसोबर की कलम देखता हूँ। अरे माँ, मुझे आपके सौंदर्यों से और आपसे मेरा कोई रिश्ता वास्ता नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। बस माँ, मैं तो आपके सौंदर्यों में ये निहार रहा हूँ कि ओ परमात्मा श्री कृष्ण कितना सुंदर होंगे जिन्होंने आपका आपको इतना सुंदर बनाया है। जैसे प्यारे स्वामी राम तीर्थ ने कहा, कृतंगना आकर के चरणों में गिर पड़ी। तो कहने का मतलब कि संत भगवंत सौंदर्य का शिकारी नहीं, सौंदर्य का भक्ति का प्यार आदर किया करते हैं, उसका अपमान करते नहीं। तो कहने का मतलब कि श्रृंगार करना भी बुरा नहीं, श्रृंगार देखना भी बुरा नहीं, क्योंकि ये संसार भी बुरा नहीं, समाज बुरा नहीं। तो संसार बढ़ाना बुरा नहीं है, संसार में रहिए, परिवार में रहिए, बुरा बात नहीं है। लेकिन संसार की आसक्तियों को अपने अंदर बसा जाना, बसा लेना, समाज की विकृतियों को अपने अंदर बसा लेना, एक बुरी बात है कि नहीं बात? यदि नौका नदी में चले न जी, तो ये अच्छी बात है कि नहीं? लेकिन नदी की पानी नौका में जाए, ये बुरी बात है। तो ठीक, मुझे ऐसे ही अपने नैनों से सबको निहारना चाहिए, लेकिन अपने मन को बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नैन देखने के लिए ही मिला है, परमात्मा ने मुझे दिया है। आज यहाँ जो है राम जी
कहने के लक्ष्मण आज मुझे इनके प्रति आकर्षण हो रहा है। अब राम जी बहुत बहुत व्याख्या करते गए, लेकिन गौर करना भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, लक्ष्मण जी एक बार भी कुछ बोले नहीं और राम कहे जा रहे हैं। और राम जी जो है ना यहाँ लक्ष्मण के सामने सिंगार रस की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन सिंगार रस की व्याख्या कौन समझेगा, क्योंकि लक्ष्मण तो बैरागी हैं, है कि नहीं, तो बैरागी क्या समझेगा कि सिंगार रस क्या होता है कि नहीं होता ही। तो सिंगारस की व्याख्या राम जी को एक संसारी के सामने कहना चाहिए था, लेकिन राम जी ने कहा बैरागी के सामने। क्यों? क्योंकि राम जी ने सोचा कि संसारी के सामने मैं कहूंगा ना तो संसारी के मन में कब वासना जगी है कुछ कहा जा सकता नहीं, और कब वो अपनी कथा कहना शुरू कर दे। लक्ष्मण तो बैरागी है क्या समझेगा, और मेरा मन भी शांत हो जाएगा। अब तो लक्ष्मण ने राम की सारी बातें सुनी, फिर लक्ष्मण सोचते हैं कि भैया तो माँ पर फिदा है, लेकिन घटना तो ऐसे घटने वाली नहीं, क्योंकि प्रेम तो प्यारे दोनों तरफ से होना चाहिए। अब लक्ष्मण सोचते कि मैं ऐसा क्या करूं कि माँ भी इनके प्रति फिदा हो जाए। भवानी बंदेश भा विश्वास रूपिणो, अर्थात दोनों का मिलन हो जाए भक्ति और विश्वास का। भक्ति यानी सीता, विश्वास यानी राम, और भक्ति यानी पार्वती, विश्वास यानी भगवान शिव। अब लक्ष्मण जी ने क्या किया, राम जी की बाह पकड़े और पकड़ करके बगीचे के मध्य में, राम जी बोलते हैं भाई तुम क्या करने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सुनो, बात ऐसी है ना, अब तक तू बोल रहा था मैं चुप था ना, और मैं चुप था इसलिए कि मैं शेषावतार हूँ, मैं सैया का प्रतीक हूँ। पता है सैया किसे बोलते हैं? सैया बोलते हैं जैसे किसी खान पर बिछाना बिछा दीजिए, और बिछाना बिछा करके दो लोग बैठ कर के सिंगार रस की बातें करते हैं ना, तो वो सिर्फ कुछ बोलता बोलता नहीं केवल सुनता रहता है। तो भैया बस मैं वही शांत रहा, अब मैं जो करूँ जो बोलूँ करने दो, बस आप शांत रहो। अब लक्ष्मण जी ने क्या किया, जा करके खूब बढ़िया बढ़िया फूल चुन चुन करके और ला करके राम जी के गले में माला बना रहे हैं, कभी गजला सवार रहे हैं, कभी कानों में कर्णफूल लगा रहे हैं। फिर क्या देखे लक्ष्मण, ओहो मोर बहुत सुंदर नृत्य कर रहा है, यदि मोर की पंख की छापे में ला कर रखूं तो अच्छा लगेगा। अब तो लक्ष्मण जी ने उस मोर का पीछा किया, बस उसका पंख टूट कर नीचे गिरा, जिसे लक्ष्मण जी ने लेकर के क्या किया कि मोर पंख कहाँ लगाए, तो राम जी के माथे लगा दिए कि मोर पंख सिर सोहतनी के गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। यानी जैसे ठाकुर के मंदिर में एक पुजारी ठाकुर का श्रृंगार करता है, वैसे ही आज यहाँ लक्ष्मण राम जी का श्रृंगार करना शुरू कर दिए। फिर लक्ष्मण ने उठाकर सर देख रहे हैं कि सीता किधर है, कब आ रही है ना, होता है ना ऐसा। अब तो प्यारी जैसे दर्शनार्थियों को देखते ही पुजारी बढ़िया से भगवान का श्रृंगार उंगार करके, और जब देखते पुजारी जी के नहीं दर्शनार्थी अब आ रहे हैं तो पर्दा हटा देते हैं, वैसे ही यहाँ लक्ष्मण ने जब देखा ना अब सीता सखियों के साथ आगे आ रही है, जैसे परमात्मा के पास आने वाली थी तो पर्दा हटा करके दर्शन कराए पुजारी भगवान का, वैसे लक्ष्मण ने क्या किया कि लता कुंज से प्रकट कर दिया, लता भवन ते प्रकट भे ते अवसर दो भाई बोली बाल कृष्ण लाल की। अब तो प्यारे राम देखे सिया को, सिया देखे राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई, देख करे राम जी को जनक नंदनी, देख करे राम जी को जनक नंदनी, बाग में बसे खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बसे खड़ी की खड़ी रह गई, बोली पहली सखी
जानकी के लिए बोली पहली सखी, जानकी के लिए क्या विधाता ने जोड़ी रची है सुघरे, कैसे तोड़ेंगे कोमल कठिन चाप को, मन में शंका पड़ेगी पड़ी रह गई। एक बोली ए सखी, ओह मैं क्या बताऊं सखी, मुझे तो ये लग रहा है ना कि जिस धनुष को मैंने सुनी है रावण बड़ा सुर भी कुछ नहीं कर पाए, भला के राम क्या कर पाएंगे, क्योंकि आग जनक का ऐसा ही पढ़ आएगा, तो इसे तो अच्छा है कि हम लोग यहीं पर ब्रह्मा से विनती कर लें, ये ब्रह्मा जी आप ऐसी कृपा करना ना कि धनुष से इन्हीं सांवले के हाथ खंडित हो जाए। ऐसे आप जानते भी हैं कि 10,000 राजा धनुष में लगे, यही अमराजी है कथा कि भूप सहस 10,000 लगे उठावन तरईन तारा। तो भूप यानी राजा, शास्त्र मान्य 1,000, 10 यानी 10। तो अब जरा विचार कर लीजिए कि क्या 10,000 राजा धनुष में एक साथ लगे, तो मान लीजिए हाँ लगे, ठीक है ऐसा मेरा चुपाई कर रहा है, जब 10,000 राजा धनुष में एक साथ लगे तो आप विचारणीय बात ये है कि धनुष कितना लंबा चौड़ा रहा होगा, धनुष मंडप कितनी लंबी चौड़ी होगी, है ना, तो ये दिमाग में बात आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई कितना लंबा धनुष होगा, क्योंकि दसवीं का 20,000 तो लोगों का हाथ हो गया, नहीं हो गया 20,000, और मान लीजिए है कि नहीं जी, और मान लीजिए कि 10,000 राजा धनुष एक साथ उठाए, अब धनुष कहीं टूट गया होता है फिर विवाह किससे होता है, फिर सब प्रेम का एक प्रेमी 1,000 फिर क्या होता जी, ये भी समझ में आने वाली बात है नहीं है। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं कि भूप सहस 10,000, भूप माने पता है क्या होता है, भू माने होता है पृथ्वी, पकड़ी हुई अर्थात धनुष को धरती माँ पकड़ी है, और सहस मैन शेषावतार पकड़े हुए हैं, तो भूप सहस 10 दिग्पाल पकड़े हुए, तो प्यारे जिस धनुष को माँ धरती 10 दिग्पाल और शेषावतार पकड़े होंगे, भला उन्हें कौन उठा सकता है, तो भूप सहस 10,000 लगे उठावन तरईन तारम। या तो गौर कीजिए, भू माने क्या होता है, भू माने एक होता है राजा, और एक भूप माने क्या होता है, भूप माने पृथ्वी होता है, भूप माने पुनः क्या होता है, भूप माने होता है 16, क्योंकि गणित होते हैं 3, अंक रेखा और बीज होते हैं 3, अंक रेखा बीज 3 गणित होते हैं, तो गणित में भूप को 16 कहा जाता है, भूप यानी 16, सहस यानी 1,000, एक मीन्स एक, और 12 मीन्स होता है सप्ताह किस दिन, 12 मीन्स होता है ना मंगलवार, 12 महीने होता है दिन, तो प्यारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7, 1, 1,000 और 16 यदि इसकी गिनती हम बाय से करें, क्योंकि ज्योतिष में कहे गए हैं कि अंक का नाम भामते गति, यदि बाय से हम गिनती करेंगे ना तो ये क्या होगा 16,108 हो जाएगा। अर्थात जब राजा लोग धनुष के पास प्यारे जाने लगे तो सीता माँ अपनी सखियों से आग्रह करती है कि सखियों शेर के भाग को गिदड़ लेकर ना जाए, आप लोग मेरी सहायता करो। सखियों ने क्या किया, तो 16,108 सखियां सीता माँ की आदेश अनुसार गुप्त रूप से जाकर के धनुष में बैठ गई थी, जिससे धनुष भारी हो गया, और जैसे ही प्यारे राजा लोग शक्तिहीन होकर के बैठे, जनक जी ने बहुत आवेश में आकर के कुछ बोले, और मुनिवर ने जब आज्ञा दिया और जब राम चलने लगे, तब सीता माँ सखियों से कहती है, सखियों अब प्रभु की बारी है, और प्रभु एक पत्नी वरधारी है, यदि तुम सबका स्पर्श करेंगे ना उनका धर्म खंडित हो जाएगा, आपसे भी इससे अलग हो जाओ। तब सखियों ने कही, सीता रामावतार में तुम्हारे लिए हमसे भी नहीं इतनी कुर्बानी की, इतने ज्यादा किया, आखिर इन प्रभु का लाभ तुम मुझे कब दोगी,
तब सीतामा ने वहीं पर मन ही मन संकल्प किया कि राम अवतार में मैं भले ही अकेले रही पर कृष्ण अवतार में तुम सभी 16108 बनकर पटानिया और इनकी सेवा करना। तो भूप सहसे दस एक ही बारा लगे उठा वन तरई नटारा। क्या तो गौर करो, भूप माने राजा, सहस माने हजार, दस माने दस अर्थात, और दस माने क्या होता है दशानंद। रावण भी आया वो भी कुछ कर नहीं पाया। तो सखिया आज इसी बात को याद कर रही है कि ये सखी उस भाला धनुष को इससे हम क्या कर पाएंगे, सावले क्या कर पाएंगे, क्यों न ब्रह्मा से हमसे भी आग्रह करें कि हमें तो विधि से मांगब कने दोनों हाथ जोड़, हम तो विधि से मांगब कने दोनों हाथ जोड़, शिव के धनुहा कठोर के सवर को दिहते तोड़, शिव के धनुहा कठोर के सवर को दिहते तोड़। आज यहाँ जो है प्यारे सखियां मन ही मन अपना भाव अर्पित कर रही है कि हे प्रभु जनक महाराज यदि सीता जी का विवाह करते तो बड़ा ही आनंद आता। और आज यहाँ राम सिया प्यारे दर्शन करते 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 ऐसा उद्भूत हुआ कि सीता माँ ने क्या किया, अपने प्रेम ऐसे फैलाए कि राम जी को अपने नैनों के अंदर कायम कर दिया और कायम करके दिन ही पलक कपाट सियानी आंख बंद करके बैठ गई। सखिया बोलती सीता सुनो तो सही, बात ऐसी है ना कि गौरी का ध्यान यहाँ नहीं, सामने मंदिर है, तुम चलो वहां कर लेना, यहाँ देख तेरे सामने कौन खड़े हैं। सीता माँ ने कही सुनो, मां बनी मन कहती कि सुनो, एक बार परमात्मा के सौंदर्य को निहारने के बाद, परमात्मा को मन मंदिर में बसाने के बाद दुनिया का कोई भी श्रृंगार और सौंदर्य को देखने का दिल करता नहीं है, एक उत्तम भक्त का लक्षण है। और जिसका प्यारे नयन, जिसका इंद्रियां, जिसकी जिह्वा संसार की वासना के प्रति लगे रहे, डुबा करे, देखने का लालसा करे, समझो उसकी भक्ति अभी कच्ची है, परिपूर्ण भक्ति नहीं है। उसी में एक सखी बोली सुनो तो सही, ये जो सीता है ना, देखने में तो बहुत भोली भाली लग रही थी लेकिन ये अंदर की बड़ी सियानी है, क्योंकि खिसा में कहा जाता है ना जो कम बोलता है वो बेल खोलता है, है कि नहीं, लोग बोलते हैं समझ लीजिए। ये देखना इसे जो है, इसने जब राम को देखी ना तो हम लोग को देखना ही भूल गई। तब सीता मां ने मन ही मन कही देखो सखी, अरे अपने वाले को पाने के बाद मैंने जगत को भुला दिया, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग जो लोग भी प्यारे ऐसा होते हैं ना, जगत को भुला ही जाते हैं, क्योंकि लिखा लिखे की बात नहीं है, लिखा लिखे की बात नहीं, देखा देखे की बात है, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बरात है, क्योंकि बरातियों की आवभगत तभी तक होती है जब तक दुल्हा विवाह मंडप में न चला जाए। जैसे दुल्हा ब्याह मंडप में गया ना, फिर बराती खाए कि ना खाए भगवान ने भरोसे है कि नहीं। तब सीता माँ ने ऐसे इशारा किया सखियों को, तब लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे माँ कुछ तो कृपा करो ना मेरे ऊपर भी। लक्ष्मण जी ने प्रणाम की, सीता माँ ने स्वीकार किया, सीता जी ने नैन खोली, लक्ष्मण को आशीर्वाद प्रदान किया और इसके बाद पुनः चल कर के प्यारे महारानी सीता जी गौरी मंदिर में आगमन, और यहाँ दोनों भाई गुरुवर के पास आगमन करते हैं और हम सभी भी गुरुचरण में ही स्थित रहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की जय।